अब ये देखिए दोस्तों, चिली पनीर तैयार हो गया है। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं ससुर जी को लेकर आ रखी हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ। पहले हम गए, मतलब मैं सुबह ना 9:30 बजे से घर से निकली हुई हूँ। पहले हम गए सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ उनका हुआ MRI, तो मेरा बेटा ही वहीं आ गया था। फिर उसके बाद मैं जहाँ कल रिपोर्ट लेने आई थी ना उससे डॉक्टर साहब के पास, तो फिर वहीं आई हूँ। तो मेरे ससुर जी को थोड़ा टाइफाइड भी निकला और लीवर में सूजन, और तब मैं उनको यहाँ लेके आई और डॉक्टर साहब भी जा रखे हैं और मेरे ससुर जी को ना ड्रिप चल रही है। तो मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, बाहर अकेले, तो मैंने कहा खाली बैठे बैठे क्या करूँ, तो आपके साथ ही शेयर कर लेती हूँ मैं कि मैं कहाँ हूँ। और मेरे ससुर जी को ना यहाँ पर ड्रिप लग रखी है, लेटे हुए हैं यहाँ पर ड्रिप लग रही है। तो बेटा भी घर चला गया, मैंने कहा घर जा लेते और हमें तो अभी टाइम लगेगा यहाँ पर, तो मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा क्या करूँ अकेले बैठे बैठे, तो मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ आगे डॉक्टर, तो मैं आपसे ना बाद में मिलूंगी। यहाँ बाजार में बारिश आ रही है, ये देखिए ये डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये हमारी आंटी बैठी है। डॉक्टर साहब की मैसेज सुन के गप मार रही है। 2 सब्सक्राइबर मेरे ये भी हैं, अगर करेंगे मेरे को सब्सक्राइब तो। और अब बारिश बंद हो गई है, धूप आ गई, देखिए। और ये डॉक्टर साहब के यहाँ मशीन है ना वेट तोड़ने की, तो मैं इसमें अपना वेट तोड़ूंगी। तो ग्लूकोज चढ़ गया है ससुर जी को और अब हम जा रहे हैं दवाई लेके घर। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और 2:30 बज गए। सुबह एक रोटी खा के गई थी मैं जल्दीबाजी में, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं होता ना, और अब लग रही है मुझे भूख और धूप भी निकल आई यहाँ पे। मैंने खाना बना दिया है, क्या बनाया आज? भात, रोटी, सब्जी और ये है तेल प्याज की चटनी, और इसमें है ससुर जी के लिए मूंग की दाल, और ये है उनके लिए डॉक्टर ने बोला है मूंग की दाल देना और रोटी, तो ये बना दी थी बच्चों ने। तो अब मैं खाती हूँ खाना दिन का, और मेरी बड़ी बेटी ने भी नहीं खाया, सबको दे रही थी घर में खाना, तो अब वो और मैं खाएंगे दिन का खाना। तो दोस्तों मैंने शाम की चाय वगैरह पी ली है और मैं यहाँ ऊपर आई थी ना मेरा छत में, क्योंकि दिन में तो ऐसे हो रहा था बारिश आ रही जा रही थी, तो कपड़े ऊपर डाल देते थोड़े छत में, तो मैं यहाँ आई थी छत में और मैंने कहा थोड़ी आपसे बात भी कर लूँ। तो आज मेरे ससुर जी का MRI भी हुआ, तो उसकी रिपोर्ट ना मंडे को मिलेगी। तो मैं अब जहाँ दूसरे डॉक्टर साहब को दिखा रही हूँ ना, तो वहाँ से थोड़ा सा फ़र्क है उनको, आज ग्लूकोज भी चढ़ा था उन्हें। और अब मैं जाऊंगी दूध लेने, और जहाँ मेरा दूध लगा रखा है ना वहाँ भी छूटने वाला है, वो कह रहे हैं अब गाय कम दूध दे रही है तो अब यहाँ से छूट जाएगा, और मुझे दूसरी जगह भी देखना पड़ेगा दूध कहाँ मिलेगा, मगर मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है कहीं इधर उधर पता करने का कि किसी के यहाँ दूध मिल जाएगा। तो देखूँगी आज एक दो से मालूम करती हूँ अगर दूध मिल जाएगा मुझे 1 तारीख से दूसरी जगह से। और यहाँ ना मच्छर बहुत लग रहे हैं, मैंने कपड़े वगैरह पलट दिए ऊपर, क्योंकि शाम तक रहती ना थोड़ा धूप चला छत में, अब तो धूप भी हो गई। और अब नीचे जाती हूँ और थोड़ी देर में जाऊँगी मैं दूध लेने। तो हम दूध लेने जा रहे हैं और अभी पता 6:15 हो रहा है, कितनी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है ना, और आजकल सुन रहे इधर बाघ भी लग रखा है तो डर भी लगता है। एक दो आंटी लोगों ने बोला ना कि इधर ही नर्सरी वगैरह से निकल रहा था, बच्चे भी थे उसके साथ, तो आजकल बस ऐसी है। और मैं जा रही हूँ दूध लेना और पता भी करूँगी कि दूध कहाँ मिलेगा। और ये बरसात में ना ये नहर, ये देखिए कैसी हो गई थी ना यहाँ पे, ये अभी अंधेरे में दिखेगी भी नहीं आपको, पूरे पत्थर दीवार टूट गई थी ना, ये पत्थर रखे अभी दोबारा से बनेगी, ये यहाँ से पूरा टूट गई थी ये पूरी बाउंड्री, तो अब नई बनेगी। देखिए कितना अंधेरा हो गया है इनके गोट में, लाइट वगैरह नहीं है ना। और ये आ गई बेटी दूध लेके, और दोस्तों मैं आ गई हूँ दूध लेकर, और यहाँ बेटी ना कुछ बनाने की तैयारी कर रही है। अब क्या बना रही है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है पनीर, और यहाँ काट लिया है इसने प्याज और शिमला मिर्च, और ये है अरारोट का आटा थोड़ा सा, और ये है मैदा। अभी थोड़ा ना ट्रायल के लिए बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं भाई? चिली पनीर। ओह चलो, वेरी गुड, चलो बनाओ आप,
तो यहाँ ये देखिए बेटी ना फ्राई कर रही है इसको, अरारोट का आटा और क्या लगाया था, मैदा लगाया, अरारोट का आटा लगा के इसको फ्राई कर रही है और मसाले डाले सूखे ना, और यहाँ ये कर दिया इसमें फ्राई कर कर दिया। तो समझ में नहीं आया दोस्तों रात में खाने में क्या बनाऊँ, ससुर जी के तो मूंग की दाल बनेगी तो मैंने कहीं थोड़ी सी लौकी रखी है कोफ्ते बना लेती हूँ। आज शनिवार है तो अंडे वगैरह भी नहीं बना सकती, नहीं तो मैं अंडा करी खाने की सोच रही थी आज, मगर आज सैटरडे है। और ये देखिए दोस्तों चिली पनीर तैयार हो गया है, ये मेरी बेटी ने बनाया, अभी थोड़ा ही बनाया है, मतलब ट्रायल के लिए फर्स्ट टाइम बनाया है। और यहाँ मैंने कोफ्ते ही बना के रख दिए हैं और इसमें बन गई है धुली मूंग की दाल और ये बन रहा है उसकी ग्रेवी कोफ्ते की और बनेंगी रोटियाँ। और यहाँ खाना बन रहा है रेडी, ये मैंने लगा दी ससुर जी की थाली और ये आप कहेंगे ना छोटे छोटे रोटी थे, मैं पतली पतली रोटी बना दी उनके लिए, डॉक्टर साहब ने कहा दाल के साथ पतले पतले फूल के देना। और ये है साजी की कोफ्ते और पनीर की सब्जी और ये रोटी, तो पहले उनको खिला देती हूँ बाद में बनाऊँगी। और रोटी अभी यहाँ आटा रखा है तो अब बनाती हूँ रोटी फटाफट से। तो दोस्तों रात का खाना वगैरह मेरा बन गया है और अभी हमने खाया नहीं है, 9 बज गए हैं। और बाकी आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए और कमेंट भी करा करिए तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मिलती हूँ किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।